अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं जहाँ जाती हूँ अपना कैमरा ऑन कर लेती हूँ, मेरे साथ वाले हंस रहे थे। ये जहाँ जाती है इसका फ़ोन छीनना, उसका फ़ोन ऑन हो जाता है। हम लोग आए थे थोड़ी शॉपिंग करने लुलू पे, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है तो अच्छा यहाँ पे ना पहले हम गए थे अल्कबाइल मॉल में, तो वहाँ से कुछ सामान ना मुझे मतलब चेंज करवाना था, कर लिया था तो वो कुछ चेंज करवाना था वहाँ पे। पहले हम लोग गए वहाँ पे, कुछ लिया, चेंज करवाया, फिर उसके बाद यहाँ से एक दो चीज़ें हमें नहीं मिली, उसके लिए हम लोग गए लुलू, वो भी मतलब शॉपिंग सेंटर ही है। वहाँ से फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी कुछ चीज़ें ली, ग्रॉसरी करनी थी, ग्रॉसरी की। अच्छा हमारे पाकिस्तान में ना ये है कि हम मतलब जो चीज़ आई हमारी मतलब हमारे पाकिस्तान की है, यहाँ पे ये होता है ये इंडियन है, ये मतलब चाइना की है, जापान की है, फलां कंट्री की है, फलां कंट्री, तो हमें ग्रोसरी भी देख के करनी पड़ती है। तो मतलब इस तरह ना थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बंदा न्यू के लिए मतलब जैसे बिगनर्स होते हैं उनको मतलब, मैंने तो आना हुआ कभी कभी, तो मुझे पता इतना नहीं आइडिया होता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि आके कुकिंग करना मतलब। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे पराठे, क्योंकि यहाँ पे आटा और ये इन चीज़ों का तो पराठा हम बना नहीं सकते हैं, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो मतलब मुख्तलिफ कंपनीज के होते हैं, इंडियन होते हैं, ईरानी होते हैं, फला फला फला, हर कंट्री के अलग से ये पराठे होते हैं रेडी मेड ना, इनको ले के बस ट्राई करके खा लो। पराठे लिए, उसके बाद हमने चिप्स लिए क्योंकि मेरा चिप्स खाने को दिल था, इसलिए यहाँ से ये कट हुए हुए सारे लिए। फ्राइज ये वाले उसके बाद दही, आई थिंक इनफ है, इतने काफ़ी हैं सिंगल पर्सन के लिए, इतने काफ़ी हैं। सब्जी ले लो सब्जी। अच्छा कहीं कहीं वहाँ पे मैंने वीडियो शॉट शूट कर ली थी, वो किसी का बच्चा था और शदीद किस्म का शोर कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि वॉइस ओवर करने में इतना मज़ा नहीं आता जितना खुद बोल के वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैं ग्रॉसरी कर रही थी, हमने मतलब प्याज, टमाटर, आज भिंडी बनाई है, आज भिंडी बनानी थी हमने भिंडी गोश्त, तो इसलिए हम ग्रॉसरी करने गए थे। तो यहाँ पे मतलब देख के हर चीज़ लेनी पड़ी थी, कौन से कंट्री की है, कौन सी बेस्ट रहेगी, क्योंकि मतलब सही बनती नहीं है ना हम लोगों को, जो जिस तरह हमें बनाने की आदत है उस टाइप की, तो बस इस तरह मतलब छोटी 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 सी चीज़ें लेते काफ़ी टाइम हो गया। किसी दूसरी कंट्री में जाके ना एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें आदत होती है अपने हिसाब से रहने की, यहाँ पे मतलब हर चीज़ दोबारा से लेनी पड़ती है। अगर मतलब कुकिंग करनी हो तो बाज़ार जाओ, हर चीज़ खरीदो, फिर खुद ही बना। अच्छा ये इनका ना होता है फलां चीज़ इंडियन है, ये स्पेन की है, और ये चाइना की है, ये फिर स्पेन की, चाइना, इंडियन, ये लिबनान की है, मतलब हर चीज़ ना मतलब हर कंट्री की होती है, इसमें पाकिस्तानी भी होते हैं, तो हमें देख के चीज़ लेनी होती है कौन सी अच्छी है क्वालिटी वाइज। सब कुछ ले लिया, ज़िंदगी में खट्टा ना लिया, लीमू रह गए थे वो लेने बाकी रह गए। मैंने थोड़ा थोड़ा करके इतना कुछ ले लिया था जैसे मैंने देखों की दुकान खोल ली। मैंने इतना सामान ले लिया था, खैर थोड़ा थोड़ा करते काफ़ी सारा सामान हो गया था, और उसमें एक वीक तो हमारा चल ही जाएगा। यहाँ पे हमने शॉपिंग करके अपना बिल विल करवा लिया है, ये इनके सारे काउंटर हैं। अच्छा जी हम लोगों ने ग्रॉसरी कर लिया है, अब हम चलते हैं घर। अच्छा जो मज़ा मतलब वीडियो शूट करते हुए बात करने का आता है ना, वो ऐसे वॉइस ओवर करने का नहीं आता। मैं मतलब बाहर वीडियो बनाओ तो उसमें या तो सॉन्ग्स होते हैं, कॉपीराइट का इशू आ जाता है, या बाहर शोर शराबा होता है मॉल में, बाहर इधर आके वॉइस ओवर करो तो फिर मतलब वो मज़ा नहीं आता यार वीडियो।
मैं यहाँ इस टाइम पे वॉइस ओवर करने बाहर गली में इसलिए बाइक गाड़ियाँ गुजरती हैं तो शोर शराबा आता है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।